नमस्कार, आप देख रहे हैं namoformedia.com। झांसी जनपद की साइबर पुलिस ने ऐसे दो साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है जो स्वयं को पत्रकार बताकर पहले शिकार को विश्वास में लेकर उनके पहचान पत्रों का उपयोग कर अपना मोबाइल नंबर उनके नाम पर पोर्ट करा लेते थे। इसके बाद उनके बैंक अकाउंट से रुपए उड़ा देते थे। साइबर सेल ने 3,28,000 रुपए की अनोखी ठगी में शामिल चिरगांव निवासी राममिलन यादव और शाहरुख को गिरफ्तार कर उनके पास से 5 मोबाइल, प्लेइंग कार्ड डिवाइस, 7,000 रुपए, कार और कई तरह के आई कार्ड व प्रमाण पत्र बरामद कर लिए। पुलिस के मुताबिक आरोपियों के खिलाफ उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कई थानों में धोखाधड़ी, जालसाजी और आईटी एक्ट के मुकदमे दर्ज हैं। एसपी सिटी डॉक्टर विवेक त्रिपाठी ने मीडिया को बताया कि जालसाज राममिलन यादव ने अपने एक साथी से मिलकर अपने एक परिचित के अकाउंट से धोखाधड़ी कर 3,28,000 रुपया ट्रांसफर करा लिया। इसके लिए उसने अपना सिम शिकार के नाम से पोर्ट करा लिया था और धोखाधड़ी कर रुपए निकाल लिए। परिक्षेत्रीय साइबर थाना झांसी द्वारा इंस्पेक्टर शिवशंकर और उप निरीक्षक राहुल के नेतृत्व में दो अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया है। एक का नाम है राममिलन यादव और दूसरे का शाहरुख नाम है। राममिलन यादव अपने को पत्रकार भी बताता था और उसके द्वारा कई चैनलों के आईडी बना करके उनका उपयोग किया जाता था लोगों को प्रभाव में लेने के लिए। उनके द्वारा 3,28,000 रुपए की धोखाधड़ी की गई थी। अपने एक परिचित के अकाउंट से पैसा ट्रांसफ़र कर लिया गया था। उसके लिए इन्होंने शाहरुख की सहायता से एक सिम अपना ही सिम जो है दूसरे के नाम से पोर्ट करा दिया गया था और धोखाधड़ी की गई थी। इस अपराध में दोनों को गिरफ्तार किया गया है और उनका चालान किया जा रहा है। यह साइबर क्राइम के एक नए तरीके का खुलासा जनपद झांसी में हुआ है, जो पुलिस महानिरीक्षक झांसी परिक्षेत्र झांसी महोदय और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झांसी महोदय के निर्देशन में किया गया। इनसे एक कार बरामद हुई है जो धोखाधड़ी के पैसे से खरीदी गई थी। सिम बरामद हुई है और कई सारे चैनलों के आईडी बरामद हुए हैं और कुछ प्रमाण पत्र, ये जो पुरस्कार स्वरूप लोगों को सम्मानित करते थे, वो बरामद हुए हैं। एक इनके द्वारा डिजिटल तरीके से जुआ कराया जाता था, डिजिटल प्लेइंग कार्ड्स बरामद हुए हैं जो जुआ खेलते समय अगर उसका प्रयोग किया जाता था तो पहले पता चल जाता था कि ये पत्ता फेंकने में फ़ायदा है कि नुकसान है, तो इससे इनको कभी जुए में हार का सामना नहीं करना पड़ता था। ये सब सामान इनसे बरामद हुए हैं। ये डिजिटल प्लेइंग कार्ड्स जो बरामद हुए हैं ये जनपद झांसी में पहली बरामदगी है। ये बहुत सातिराना और हाईटेक टाइप के क्रिमिनल हैं, इनको जेल भेजा जा रहा है। इनके एक और साथी होने का पता चला है और इनके द्वारा किए गए अन्य अपराधों के बारे में भी जानकारी की जा रही है। आगे इसमें कार्रवाई आगे भी की जाएगी।